125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन सुरक्षा कर्मियों पर है, ड्यूटी के दौरान जब उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलने की खबरें आती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने जो खाने के लिए आवाज उठाई उसकी गूंज अब देश के कई हिस्सों से सुनाई देने लगी है। तेज बहादुर के विद्रोह का समर्थन एक और जवान ने किया है, देखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की, ये देखो दाल। सेंटर रजर पुलिस फोर्स का जवान है। एक और सैनिक ने किया शर्मनाक खुलासा। ड्यूटी के दौरान पेट भर खाना जिनके मुकद्दर में नहीं था। जब पेट ही नहीं भरेगा तो जंग कैसे जीतते। सरहद पार के दुश्मन से तो निपट लेते, अपनों से कैसे लड़ते। अफसर जब भी बात करते हैं तो गाड़ी गलौज से शुरू करते हैं। अफसर जब भी बात करते हैं तो गाड़ी गलौज से शुरू करते हैं। तेज बहादुर ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है वो आग बनकर हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में धधकने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि पूस की रात में, भादो की बरसात में, जेठ की दोपहरी में जो अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं, श्रीनगर की बर्फीली चोटियों से लेकर दंतेवाड़ा की अबूझ जंगलों में जो नक्सलियों की बंदूकों के सामने खुद को कुर्बान कर देते हैं, कोकराझार से लेकर गढ़चिरौली तक जो अक्सर डायनामाइट का शिकार हो जाते हैं, दिन रात बगैर थके, बगैर रुके, बगैर किसी परेशानी के जो देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, क्या उन्हें दो वक्त का पौष्टिक खाना भी नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के सैनिकों को दो वक्त का खाना ना मिले तो सवाल जरूरी सा लगता है, अपनी भूख को जिंदा रखना एक वाजिब मजबूरी सा लगता है। इसमें एक प्रॉब्लम बहुत है बीएसएफ के अंदर में। एक तो ड्यूटी बहुत हार्ड है और बहुत ज्यादा है, दूसरी बात खाने वाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले ये चौधरी रविंद्र सिंह है, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल थे, श्रीनगर के मेस में तैनात थे, मगर इन्होंने नौकरी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट लेने की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? दो वक्त की रोटी। यही वजह है कि खुले दिल से रविंद्र तेज बहादुर का समर्थन करते हैं। वो पैसा जाता है, जो पैसा बचता है उसको जेब में डाल देते हैं, किसी को कम डिमांड में ऐसा पैसा नहीं मिलता। रविंद्र का आरोप है कि अफसर न सिर्फ अनाज बेच देते हैं बल्कि बड़े अधिकारियों का व्यवहार जवानों के साथ बहुत बेकार होता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अफसर सही तरीके से बात नहीं करते हैं। अफसर जब भी बात करते हैं तो गाड़ी गलौज से शुरू करते हैं। यही वजह रही कि रविंद्र ने 30 नवंबर 2016 को वीआरएस ले लिया। रविंद्र की तरह ही उनके दो दोस्तों ने भी परेशान होकर वीआरएस लिया था। अनुशासन और कदम कदम पर वर्जनाओं के रास्तों से मुक्त होकर तीनों जवान घर चले आए ताकि घर में कम से कम दो जून की रोटी तो मिल सके। लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार जवान ये बताते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उससे एक बात तो कही जा सकती है कि सैनिकों की सहूलियत माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है मगर उनमें बालू और पानी भरा है। शरद सिंह, शामली, आज तक।